अब आगे बढ़ते हैं, अखिलेश की इंसाफ यात्रा की बात करते हैं। चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत पर सियासत तेज हो गई है और आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। अखिलेश यादव आज चंदौली के मनराजपुर जाकर मुलाकात करेंगे। सुबह 10:40 पर वो लखनऊ से चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। अखिलेश यादव चंदौली के घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से आक्रामक हैं और किस तरीके से एक्टिव हैं, कई सारे गंभीर आरोप को लगाते हुए कई बार नजर आ चुके हैं पुलिस के अधिकारियों पर और सरकार को भी चंदौली के मसले पर वो घेरते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। अब चंदौली पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहुंच करके पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, काफी देर तक वक्त वहां पर बिताएंगे। दबिश के दौरान गैंगस्टर के बेटे की संदिग्ध मौत हो गई और इस पूरे मामले पर पुलिस पर कई आरोप लगे। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशांक, सबसे पहले तो अपडेट आप दीजिएगा, कितने बजे अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे, अखिलेश के साथ और कौन कौन रहेंगे और कितने बजे वो पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचने वाले हैं? शशांक, तो 12 बजे मनराजपुर में पहुंचेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, गाजीपुर के 7 विधायक, जौनपुर के 5 से 6 विधायक, तो लगभग 1 दर्जन विधायक के साथ अखिलेश यादव मनराजपुर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। 1 मई को संदिग्ध परिस्थिति में निशा की मौत हो जाती है, उसके बाद पूरे जनपद में बवाल होता है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो यहाँ आते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। कांग्रेस का एक डेलीगेशन, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह आए, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी आए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं। कन्हैया यादव हिंदू धर्म के अनुसार जो तिरहुई का कार्यक्रम है वो पीड़ित परिवार कर रहा है। कन्हैया यादव से अखिलेश यादव मिलेंगे। कन्हैया यादव की जो छोटी बेटी है जो उस समय घायल हो गई थी, उनसे मिलेंगे, पीड़ित परिवार से हाल चाल जानेंगे और पूछेंगे कि उस समय क्या घटना हुई थी और कैसे ये इतना बड़ा